जो बाकी चीजें होती हैं वो सारी टफ मेरे को लगा पिछले साल के मॉक में, और बाकी जीए कंप्यूटर वो सब सेम था। जो स्कोरिंग है लाइक कंप्यूटर एप्लीकेशन का स्कोरिंग है, फिर आपका जीए का स्कोरिंग है, तो ये सारे क्वेश्चंस कैसे थे? जीए तो जो मतलब जैसे आता है वैसे ही था, मतलब ऐसा कुछ जो मैंने मतलब मैं जीए उतना पढ़ा नहीं था, मैंने मैथ्स रीजनिंग ज़्यादा पढ़ा था। ओके, जीए हल्का सा मतलब मेरे को टफ ही लगेगा, बट नॉर्मली जो बच्चे पढ़ेंगे मतलब जीए उनके लिए ईजी होगा। ओके, जीए सारा फाइनेंस या इकोनॉमिक ओरिएंटेड या कुछ ज़्यादा वहीं से आया था? ज़्यादा वही था। उसके नेशनल अफेयर इंटरनेशनल सब बहुत कम था, मतलब बहुत कम था। ओके, अच्छा, जो क्वेश्चन थे नेशनल इंटरनेशनल अफेयर से वो लाइक क्या थे, मतलब किस चीज़ से एसोसिएट करते हुए? नेशनल इंटरनेशनल वाला, हाँ हाँ, नेशनल इंटरनेशनल का था क्वेश्चन तो मेरे को याद है नहीं, मैंने खुद ही सिर्फ 10 मार्क किए हैं। अच्छा, मैंने जीओ उतना पढ़ा नहीं है, मैंने मैथ्स रीजनिंग का प्रिपरेशन किया था। अच्छा, तो उतना मेरे को नहीं याद है। अच्छा, कंप्यूटर एप्लीकेशन का क्वेश्चन किससे एसोसिएट करते हुए है? वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर किसी ने किया है और मॉक पेपर दिया है तो उसको बहुत ईजिली बन जाएगा, बहुत ईजी था। 40 में 30-35 भी कर सकते हैं। ग्रेट, अटेम्प्ट आपको क्या रहा कंप्यूटर में पूरा? ना टोटल, टोटल मिला के जोड़ लेता हूँ। 43, 55, 87, 95 का 95 सबका अटेम्प्ट यही रह रहा है, 9500 के अराउंड। जी ए पढ़ा था नहीं तो उसके कारण तो कम ही रहेगा। ओके, थैंक यू, विश यू लक। थैंक यू। ठीक है, थोड़ा आप बताइए जो पांचों सेक्शन रहा है कैसा रहा है? रीजनिंग इजी था। ओके, लेकिन टाइम लैप्स था, मतलब ज़्यादा टाइम लग रहा था। हाँ। ओके, ठीक है। मैथ आपसे अप्रॉक्स 15 से 20 से ज़्यादा आप अटेम्प्ट कर नहीं पा रहे थे। अच्छा, मतलब टफनेस है उसमें? हाँ, उस मैथ में टफ है, कैलकुलेटिव है थोड़ा सा। अच्छा, हम हिंदी से दिए तो हिंदी तो खैर आसान था, आसान ही मिला जुला कह सकते हैं, मॉडरेट, ना आसान ना भारी। अच्छा, हिंदी में क्या क्या क्वेश्चन पूछे लाइक? वो पैसेज है, ठीक है, और फिलर भी है। अच्छा, और फिर आपको वर्ड अरेंजमेंट है, सेंटेंस अरेंजमेंट है। अच्छा, मतलब पैटर्न वही इंग्लिश वाला ही है? पैटर्न वही इंग्लिश वाला ही है बस, और फिर लैंग्वेज का डिफरेंस। कंप्यूटर इजी है, कंप्यूटर इजी था। हाँ, फिर जीएस थोड़ा टफ है। जीएस में टफ है? हाँ। जीएस में टफनेस होने का कारण क्या है? टफनेस होने का कारण इसमें ये रहा कि ये क्या बोलते हैं, डाटा वेरी कर रहा था, डाटा से पूछ रहा है, केवल फैक्ट्स एंड डाटा पूछ रहे हैं। जैसे कि आप किस कंपनी के साथ समझौता किया, आप उसका कंपनी का संस्थापक कौन है? अच्छा, अब ये बताइए। अच्छा, इतना फैक्चुअल अब कैसे बनाए? अच्छा, इस तरह से हो रहा। टोटल कितना अटेम्प्ट वैसे किया आपने? मेरा तो लगभग 95-97, मतलब गुड अटेम्प्ट थोड़ा इधर गई, मतलब सही अटेम्प्ट ही है, मतलब इतना अटेम्प्ट 95। आप 100 के आसपास पहुंच जाइए तो ठीक है। ठीक है। हाँ। पेपर कैसा लगा? मतलब प्रीवियस ईयर अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो प्रीवियस ईयर के मुकाबले थोड़ा इजी ही था, थोड़ा इजी साइड रहा है, 1-5% बस। अच्छा, 1-5% के बीच में। ओके, थैंक यू, विश यू लक सर। करंट में था पीछे का जाए थोड़ा ओल्ड वन। ओके, मतलब कितना पुराना होगा? 2021 का भी था, 20 का भी था। जो अच्छा जो क्वेश्चन आया जस्ट इकोनॉमिक ओरिएंटेड ही थे या कुछ उसके अलावा भी थे? उसके अलावा भी। उसके लाइक क्या? जो क्वेश्चन आए मैथ्स में वो क्या क्या थे, किस किस टॉपिक से रिलेटेड आए? अच्छा, कोई नहीं, थोड़ा सा एग्जाम क्लियर होता है। ओके, ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू। पेपर ठीक ही था? ठीक था। सारा पांचों सेक्शन जीए को छोड़ के बाकी सब ठीक था। जीए में क्या कॉम्प्लिकेशन लगा? जीए में क्या बोले, जैसे इकोनॉमिक ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते थे, इकोनॉमिक्स भी थे और कुछ पीछे भी पूछा गया था। ये पीछे क्या? करंट अफेयर्स 2019 का भी था। अच्छा, बाकी रीजनिंग और मैथ अच्छे थे, ईजी, और हिंदी भी, इंग्लिश भी थी। आपने लैंग्वेज चूज करना था ना? हाँ, हिंदी इंग्लिश, तो आपने इंग्लिश चूज इंग्लिश चूज किया। इंग्लिश में क्या वही पैटर्न जो पहले? हाँ, वही इंग्लिश इस बार इजी है पिछले साल। कंप्यूटर एप्लीकेशन? कंप्यूटर भी बहुत इजी, कंप्यूटर तो बहुत इजी था, हमको इजी लगा, बाकी
कितने अटेम्प्ट किए आपने मैथ में? मेरा टोटल 170 तो काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट किया आपने। 117 अच्छा 117 जी ओके ओके। अच्छा कंप्यूटर एप्लीकेशन के जो क्वेश्चन थे वो लाइक क्या थे, मतलब कुछ बता सकते हैं? लाइक सॉल्व की ना याद नहीं है बहुत। अच्छा, अभी थोड़ा सा एग्जाम का भी टेंशन।